नमस्कार दोस्तों, मैं नमन प्रेजर टेक के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपके लिए बारकोड थर्मल प्रिंटर लेकर के आए हैं, जो कि मैं आपको बताऊं स्टिकर प्रिंटर भी है, टाफिटा प्रिंटर भी है, आपका साटिन भी प्रिंट करेगा। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, जो हमारी आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, सेम सीरीज़ में आपका ब्लूटूथ भी आता है, आपका लैन भी आता है, आपका वाईफाई भी आता है, आपका RS-232 कनेक्शन भी आता है। तो सेम ही मॉडल में आपके बहुत सारे कनेक्शंस इसमें मिल जाएंगे आपको। बट आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है वो स्पेशल लैन पे है, जो कि हमारा पिछला वीडियो था वाईफाई के ऊपर कि एक प्रिंटर को हम लोग मल्टीपल सिस्टम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बट आज में हम लोग लैन के ऊपर लेकर के आए हैं, क्योंकि लैन का क्या होता है, आपने देखा होगा जो राउटर होता है हमारे एरिया में, जो हमारा कैबिन में या कहीं पे भी आपका जो राउटर लगा होता है, और उसमें से हम लोग का एक लैन का केबल होता है, तो जो बेसिकली राउटर से आप डायरेक्ट प्रिंटर में लगाएंगे, और प्रिंटर में लगाने के बाद आप उसका लैन का कनेक्शन होगा और डायरेक्ट वो आपका लैन के थ्रू आपका प्रिंट करेगा। और मल्टीपल सिस्टम से आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं, बट कंडीशन एक ही रहेगी कि जितने भी आपके मल्टीपल सिस्टम होते हैं, सपोज 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, तो सारे के सारे सिस्टम आपके सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। मतलब कि जिस राउटर से वो लैन का कनेक्शन कर रखा है आपने प्रिंटर, जो आपने वायर कनेक्ट कर रखी है प्रिंटर के अंदर, जैसे मेरे पास ये लैन की एक वायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लैन की वायर है और ये मैं प्रिंटर के अंदर मैं पीछे से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद जितने भी सिस्टम्स हैं इस राउटर से, जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, आप मल्टीपल सिस्टम से आप प्रिंटर पे कमांड आप शूट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पे स्टिकर प्रिंट करना चाहते हैं, टाफिटा प्रिंट करना चाहते हैं, साटिन प्रिंट करना चाहते हैं, नो इशू, आपका सारा चीज़ ये एक ही प्रिंटर से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंटर दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रिंटर, तो वैसे आपने देखा ही हुआ है हमारे लास्ट वीडियो में, सेम ये अपना गैंगस्टा, आपका ऑनलाइन का यहाँ पे LED है, एरर का एंड अपना रिबन का है, और यहाँ पॉज का और फीड का बटन है जनरली जो रहता है सभी में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट में आपका लॉक है, और इसको हम लोगों को पुल करना होता है। हम लोग आगे की तरफ पुल करते हैं और ये आपका प्रिंटर ओपन हो जाता है, इसका हेड होता है। और ये आप देख रहे हैं प्रिंटर में, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये आपका 90 डिग्री पे ओपन हो जाता है, जिसमें आप इजीली रोल रिबन वगैरह आप बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। दूसरे प्रिंटर्स में क्या होता है, जो अदर ब्रांड्स के आते हैं उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो उनके हेड होते हैं सिर्फ यहाँ तक ओपन होते हैं, तो उसमें आप रोल रिबन लगाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आपको आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिनका यहाँ तक ओपन होता है, बट ये जो वाला आपका प्रिंटर है, ये आपका पूरा 90 डिग्री ओपन होगा। आपके ये साइड में लेबल गाइड्स हैं, आप इसको छोटे बड़े लेबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रिंटर का यूज़ करते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक सेंसर है, जो कि कभी भी आपको लेबल प्रिंट कर रहे हैं या साटिन या टाफिटा प्रिंट कर रहे हैं तो इसी के नीचे से आए ऑलवेज, तो कभी भी आप लगाएं तो ये आप मेक श्योर करें कि इसी के नीचे से ही आना चाहिए, राइट। और ये आप देख रहे हैं ये रिबन का एरिया है, ये रिबन का एरिया है। अगर मेरे को रिबन चेंज करना है तो मेरे को ये चीज़ है, आप ये बटन देख रहे हैं, मेरे को इसको पुश करके नीचे करना है, ये आपका रिबन आपका आ जाएगा। तो आप इसमें इजीली रिबन भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने रिबन निकाल दिया है, बहुत आसानी से मेरे को एक साइड पुल करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा आपको लेफ़्ट या राइट पुल करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमको लेफ़्ट में लगा करके और उसमें राइट साइड में ऑप्शन है, हम लोग वहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको रिबन को टाइट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रिबन का प्रोसेस दिखाया और इसको अभी मेरे को लॉक करना है। हम लोगों को ऐसे लॉक नहीं करना है, ये सबसे पहले हम लोगों को ये एरिया जो होता है ना ये हमको बंद कर देना है, उसके बाद ही लॉक करना है इसको। तो हम लोगों को साइड से दोनों आप लॉक का आवाज़ आ गया आपको, और ईजिली आपको प्रिंटर ऐसे आपको क्लोज कर देना है। ये जो एरर का लाइट है, ये एरर का लाइट हट जाएगा यहाँ से, और ऑटोमेटिक एक लेवल आपका फीड ले लेगा, दैट मीन्स कि ये जो इसके बीच का मार्जिन होता है, जो गैप होता है, ये प्रिंटर ने सेंस कर लिया है। तो इसका मतलब है कि प्रिंटर रेडी टू प्रिंट है, आप जो भी प्रिंट निकालना चाहते हैं आप सिस्टम से प्रिंट आउट आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है और जिसमें मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, जिस राउटर से हमने लैन केबल लगाया है प्रिंटर में, सेम वाईफाई से हमने लैपटॉप कनेक्शन कर रखा है, कनेक्ट है लैपटॉप। और ये हमारा लेबल डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जो कि बार्टेंडर है, आप सभी जानते हैं बार्टेंडर है।
और इसमें हम लोग कंट्रोल पी करते हैं। इसमें मैंने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया है और लैन का सेटअप किया है इजीली मैंने, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं ये प्रिंटर का मॉडल आ गया है और इसके आगे एक लैन लिख करके आ गया कि हम लोग इसको लैन से कमांड देंगे। और कॉपीज़ मेरे को 5 कॉपीज़ में का कमांड मैं शूट कर रहा हूँ प्रिंटर में। और देखिए प्रिंटर जो अभी लैपटॉप है मेरे पास, इसमें कोई वायर नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगाया हुआ है, बट प्रिंटर में वायर का कनेक्शन है। प्रिंटर में सिर्फ लैन केबल लगी हुई है और हमारे जो लैपटॉप है इसमें वाईफाई से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो मैं अभी प्रिंट कमांड देता हूँ और प्रिंटर हमारे पास, देखिए ये हमारे पास प्रिंटर में 5 कॉपीज का कमांड आ गया है जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, अपने लैपटॉप से कमांड दिया है। अभी प्रिंट कॉपी 5 का निकल के आया है प्रिंटर में। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड लैपटॉप से भी हम लोग कमांड दे सकते हैं प्रिंटर में, और सेम ही चीज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और लैन का केबल आपका प्रिंटर में ऑलवेज लगा ही हुआ है। वन टाइम हमको लैन केबल लगाना है और मेक श्योर कि जिस लैन केबल से वो प्रिंटर कनेक्ट है जिस राउटर से, तो उसी राउटर से आपका लैपटॉप जो दूसरा लैपटॉप होगा वो भी उसी वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि सेम नेटवर्क पे आपका जो लैन का कनेक्शन हो रखा है प्रिंटर पे, आपका उसी से ही कमांड आपका पिक करेगा। आप सेकेंड 2 लैपटॉप यूज़ कर लो, 3 लैपटॉप यूज़ कर लो, या डेस्कटॉप यूज़ कर लो, या सिस्टम यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। आप मल्टीपल सिस्टम से आप कमांड आप शूट कर सकते हैं प्रिंटर में। जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं वो आपको करना पड़ेगा बस। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहता है या आपका कुछ क्वेरीज होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।